हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू अड्डा 247 ऑनलाइन स्कूल और हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहां पर आपको प्रोडक्ट इवैल्यूएट करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो पहले पार्ट की बात करते हैं 103 × 107, आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना। तो देखिए कैसे करना है, आपको यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ जो आपने पढ़ी है ना, उन आइडेंटिटीज़ को यहाँ पर आपको यूज़ करना है। सो कैसे करना है, देखिए 103 को मैं 100+3 लिख सकता हूँ और 107 को मैं 100+7 भी लिख सकता हूँ। 100+3 और 100+7 ये हो गया आपका x+a मल्टीप्लाई x+b। क्या फॉर्म, क्या आइडेंटिटी हो जाती है ये, x² + a+bx + ab। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 100² + a+b यानी कि 3+7 × x। x की वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है, प्लस ab क्या है, 3 × 7, तो हो जाएगा 21। ये देखिए क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10,000 + 3+7 = 10 × 100, तो हो गया आपका 1,000 + 21। ऐड कर देंगे इसको, हो जाएगा 10,000 + 1,000 = 11,021। ये आपका पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 95 × 96। देखिए सेम अप्रोच यूज़ करनी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्रोच यूज़ करी थी। 95 को मैं 100-5 लिख सकता हूँ और 96 को मैं 100-4 लिख सकता हूँ। यहाँ पर हमें x+a × x+b या x-a × x-b कुछ इस तरीके से फॉर्मेट को लेकर के चलना होता है, यानी कि ये जो वैल्यूज़ है हमारी, जिसको हम x की वैल्यूज़ मान रहे हैं, वो हमारी वैल्यूज सेम आ जाए। सो हो जाएगा 100 का स्क्वायर, अब देखिए -a+b, यहाँ पर चूंकि माइनस में है दोनों, सो माइनस हमारा ऑलरेडी बाहर आ जाएगा। ये क्या फॉर्मेट हो जाता है, एक बार मैं आपको दोबारा से फॉर्मेट बता देता हूँ, ये x-a × x-b का फॉर्मेट है। इसकी वैल्यू हो जाती है इस आइडेंटिटी की, x² - a+bx + ab, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर - 5 + 4 × 100 - 5 × 4, क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 - 5 + 4 = 9, 9 × 100 = 900 + 20। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 10,000 - 5 + 4 = 9, 9 × 100 = 900 + 5 = 20, ठीक है। 10,000 - 900, 10,000 में से 900 को माइनस करना है, कितना रह जाएगा, 9,100 + 20, कितना हो जाएगा, 9,120, ठीक है। अब इसके बाद अपने अगले स्टेप की और अपने अगले पार्ट की ओर चलते हैं, अगले पार्ट की बात करते हैं। सो देखिए अगले पार्ट में 104 × 96, यहाँ पर देखिएगा क्या फॉर्मेट बन जाएगा, 100 + 4 = 100-4, यानी कि ये x + y × x - y का फॉर्मेट बन गया, x + y × x - y, जो कि क्या हो जाता है, x² - y² हो जाता है। सो ये क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर वापस से 10,000 - 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। अब 10,000 में से अगर आप 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 9,984, ये आपका 10,000 में से 16 माइनस करने पे आंसर आएगा।